हे भगवान, ये क्या? अजय, अजय! जी मैम साहब। क्या है ये सब? तुम्हें पता है ना, हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। तुमने हमारी थाली में चिकन परोस दिया और हमें खिला भी दिया। अरे तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया है। मैम साहब, मुझे नहीं पता आपकी थाली में चिकन कहाँ से आया। अच्छा, तुम्हें नहीं पता ये खाना किसने लगाया है? तुमने लगाया है ना। और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। इस घर में कभी नॉनवेज नहीं आया है। अरे खाना तो दूर की बात, हम लोग नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाते हैं। और तुमने जानबूझ के हमें चिकन परोसा है। तुम्हें शर्म नहीं आई हमारा धर्म भ्रष्ट करते हुए भी? ये खाना तो आपने बाहर से मंगाया था और जैसा भी ये खाना था मैंने वैसा आपको परोस के दे दिया। मैंने बाहर से फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किया था, ना कि चिकन। और तुमसे कितनी बार बोला अगर तुमको चिकन खाना है ना तो अलग से बना लो, ना कि इस तरीके से। अब जब तुम खुद पकड़े गए हो तो मुझ पे लगा रहे सारा इल्जाम। मैम साहब, मैंने कोई चिकन नहीं बना, आप तो मेरी बात का विश्वास करो। और आपने मुझे आलू मटर की सब्जी बनाने की बोला था, वो मैंने बना दी। लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाला, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। हनी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम पागल होगी क्या? तो वो बोल रहा है उसने चिकन नहीं परोसा, तो तुम्हें उसकी बात का विश्वास करना चाहिए। उसको अच्छे से पता है हम वेजिटेरियन है और हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनता। तुम उसकी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? और तुमने ये खाना बाहर से मंगवाया ना, क्या पता डिलीवरी वाले ने गलती कर दी हो। अभिषेक, मैं बाहर से बहुत बार ऑर्डर कर चुकी हूँ और आज तक किसी ने भी इस तरह की हरकत नहीं की है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये काम इसी का है। हनी, मुझे अजय पर पूरा भरोसा है, हो ना हो ये डिलीवरी वाले की गलती है। रुको, मुझे चेक करने दो, मैं अभी सीसीटीवी कैमरा चेक करता हूँ। हाँ, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, अब बस जल्दी से घर पे आ जाओ, हम दोनों साथ में बैठ के डिनर करेंगे। ठीक है भैया, क्या देख रहे हो? लो मैम। ये देखो, मैंने कहा था ना अजय की कोई गलती नहीं है, ये सारी डिलीवरी बॉय की गलती है। देखो वो कितनी हड़बड़ाहट में है, मुझे लगता है उसने तुम्हारा ऑर्डर किसी और को दे दिया और किसी और का ऑर्डर तुम्हें दे दिया। अब देख लिया तुमने, उस डिलीवरी बॉय की गलती थी, अजय की इसमें कोई गलती नहीं थी। उस डिलीवरी बॉय ने हमारा धर्म भ्रष्ट करवाया है, उसे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, उसे तो अभी जॉब से बाहर निकलवाऊंगा। अरे तुमने खामखा अजय पर शक किया, अजय तो कितने सालों से हमारे पास काम कर रहा है और आज तक इसने कोई भी गलती नहीं की। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी थाली में चिकन देखा तो मैं गुस्से से हाइपर हो गई थी और मैंने जाने अनजाने में पता नहीं आपको क्या क्या नहीं बोल दिया। प्लीज भैया, आई एम सो सॉरी। अरे कोई बात नहीं मैम साहब, आपका गुस्सा जायज है, प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए। और इस खाने से आपका धर्म भ्रष्ट हुआ और गलती सारी उस डिलीवरी बॉय की है। और साहब, अभी के अभी है ना, कॉल करके उसकी कंप्लेंट कीजिए और उसे जॉब से निकलवाइए। मैं भी कंप्लेंट करता हूँ। हेलो सर, आपका डिलीवरी एजेंट हमारे घर पर गलत डिलीवरी देके गया है। वो हमारे घर पर चिकन डिलीवर करके गया है जबकि हमने फ्रेंच फ्राइज मंगवाए थे और जबकि हमारे घर पर कोई भी नॉनवेज नहीं खाता। हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया आपके डिलीवरी एजेंट ने। उसको अभी के अभी जॉब से निकाल दीजिए, नहीं तो मैं ऊपर तक कंप्लेन करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं अजय, तुम जाकर काम करो। ठीक है साहब।